दुनिया भर के तमाम देश 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दुनिया में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। भारत भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। इसी कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने कानून बनाया है। इसके तहत 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, तो भारत में भी पर्यावरण दिवस मनाया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में प्रकृति के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर किया। नमस्कार, मैं हूं मानसी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके चहेते प्रोग्राम सिटी मैत्रीन में। दर्शकों, पर्यावरण में मिलने वाले हानिकारक पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित बनाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं तथा इस समस्या को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, पेट्रोल, कारखानों तथा वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। इनके कारण वायुमंडल में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा इत्यादि की मात्रा बढ़ रही है। इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। सांस तथा गले की बीमारी, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में कमी, जीव जंतुओं की असमय मृत्यु होना वायु प्रदूषण के हानिकारक दुष्परिणाम हैं। जल प्रदूषण, कारखानों का कूड़ा कचरा तथा हानिकारक रसायन नहीं व जलाशयों में फेंकने, शहर की गंदगी व सीवर नदियों में बहाने, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, मृत जीव जंतुओं व मनुष्यों के शव अथवा उनके अवशेषों को नदियों में फेंकने आदि कारणों से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल मनुष्यों में पीलिया, पेचिश, टाइफाइड, पेट के रोग, त्वचा के रोग पैदा करता है। इसके कारण नदियों व समुद्रों में जीव जंतुओं की ऑक्सीजन की कमी होने व जहरीला पानी होने के कारण मृत्यु हो जाती है। भूमि प्रदूषण, रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, शहर गंदगी तथा कूड़ा करकट को खुला फेंकने, कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ व रसायनों को भूमि पर फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव से मृदा उपजाऊ नहीं रह जाती है, कृषि का उत्पादन घट जाता है तथा फसल में खनिज एवं पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग से रेडियो एक्टिव किरणों का विकिरण होता है। अणुबम, परमाणु बम इत्यादि के विस्फोट से भी हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणें पैदा होती है, जिनके कारण वातावरण प्रदूषित होता है। रेडियो एक्टिव किरणों के ज़्यादा विकिरण से त्वचा रोग, कैंसर, गुणसूत्रों का दुष्प्रभाव, विकलांगता आदि प्रभाव पैदा हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों, मशीनों, जनरेटरों, वाद्य यंत्रों इत्यादि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, पागलपन, चिड़चिड़ापन इत्यादि लक्षण पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा शोर के कारण गर्भ में बच्चों में विकलांगता आ जाती है। सहेलियों, अभी हमने आपको पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के प्रकार बताए, अब जानते हैं कि ये प्रदूषण होने के कारण क्या है। प्रदूषण के कारण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, क्योंकि इससे प्रदूषक और प्रदूषण दोनों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर प्राकृतिक स्रोतों के त्वरित विदोहन से इनका तेजी से ह्रास होता है, वहीं दूसरी ओर झील तथा नदियों में औद्योगिक अपजल जीवों द्वारा विघटित प्रदूषक तत्व जैसे घरों का कचरा एवं कूड़ा करकट तथा लकड़ी एवं कोयले को ईंधन के रूप में जलाने से उत्पन्न हुए धुएं से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। स्रोतों का अनियंत्रित दोहन, जनसंख्या वृद्धि के तीव्र प्रभाव की वजह से स्रोतों जैसे भूमि, जल, वन, वायु, खनिज आदि का अनियंत्रित एवं विकृत उपयोग किए जाने से भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप धारण कर रही है। आर्थिक विकास,
जनसंख्या वृद्धि का सामना करने हेतु अपनाया जाने वाला व्यापक आर्थिक विकास भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। खाद्यान्न क्षेत्र में जनाधिक्य के दबाव से उबरने के लिए कृत्रिम साधन अपनाने पड़ते हैं तथा उत्पादन स्तर बढ़ाने हेतु उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें काफी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के संकट पैदा करता है। परिवहन विस्तार। औद्योगिकरण के कारण जल, थल एवं नभ तीनों ही मार्गों पर परिवहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इससे परिवहनों ने धुएं के द्वारा हमारे पर्यावरण को बहुत तेजी से प्रदूषित किया है। प्रदूषण का यह क्रम और भी तेजी से परिवहन साधनों की संख्या के साथ बढ़ रहा है, वह यह हमारे पर्यावरण संकट का एक प्रमुख कारण है। आधुनिक तकनीकों का प्रसार। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अपनी प्रक्रियाओं से अनेक प्रकार के विषाक्त गैसों, धुओं एवं विषाक्त रसायन युक्त अपजलों के माध्यम से जल, थल एवं वायु सभी तत्वों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जल तथा भूमि प्रदूषण भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। पौधों तथा मनुष्य के जीवन में नित्य नई बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, जिससे अशांति तथा अस्थिरता को प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही कृषि उत्पादन लागत भी बढ़ रही है, जिसके कारण कृषि व्यवसाय में घाटे की आशंका सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भी अभिव्यक्त की है। वनों का विनाश। पृथ्वी का एक तिहाई से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जंगल संसार की अनेक प्रमुख आवश्यकताओं जैसे ईंधन, इमारती लकड़ी, संश्लेषित धागों के लिए कच्चा माल आदि की सप्लाई करते हैं। जल के बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ रोकने में इनका विशेष योगदान रहता है। जंगलों से पानी एवं हवा द्वारा मृदा का अपरदन भी रुकता है। वायु प्रदूषण कम करने में जंगलों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आदिकाल से मनुष्य जंगलों में रहा है और वनों पर ही अपने जीवन के लिए निर्भर रहता था। तीव्र एवं कर्कश ध्वनि। कारखानों की मशीनें, लाउडस्पीकर, विमान, रेलगाड़ी आदि से उत्पन्न तीव्र ध्वनियां शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तीव्र ध्वनि श्रवण शक्ति के ह्रास के साथ नींद को भी हराम कर देती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 75 डेसिमल के ऊपर शोर होने से बहरापन, चिड़चिड़ापन, गर्भपात, हृदय रोग में वृद्धि एवं सोचने की क्षमता में कमी ला देना है। सहेलियों, आज हमने आपको कुछ हेल्थ टिप्स बताई हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब देखते हैं आज का अनोखा एपिसोड क्या है। प्रस्तुत सिटी मैथिन में मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ। सहेलियों, आज का जो भाग है ये बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकगीत जो होते हैं हमारे शादियों में, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मराठी लोगों में इसे गोंधळ, जागरण इस नाम से जानते हैं। पंजाबी लोग इसे जिस तरह से बोलियाँ बोलते हैं, तो परदेसी, हिंदी, मारवाड़ी और ऐसे लोगों में इसे रज्जगा कहा जाता है। तो इसमें जो गीत होते हैं, तो ये गीत विशेष रूप से बहुत महत्व रखते हैं। इसके बिना शादियां अधूरी ही होती है। इसके बिना ऐसा मानिए कि शादियां होती ही नहीं है। तो और ऐसे कई गीत होते हैं देवी के होते हैं, तो कोई देवी का गाना आप भी सुना दीजिए। ऊंचा भवन भवानी का, ऊंचा भवन भवानी का, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ऊंचा भवन भवानी का, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बिंदिया तो मैं ले आई, टीका तो
गलती मारे से हो गई। बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा गाया है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे लोक गीत है, इनके बिना माहौल ही नहीं हो सकता शादी का या किसी भी त्यौहार का। तो क्या लगता है आपको कि इस परंपरा को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, मंडलों के साथ जुड़िए, सत्संग करिए, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को भी आगे लाइए इसमें। तो थोड़ा ये होगा अपने घर गृहस्थी से थोड़ा हटके थोड़ा वक्त इस चीज़ को भी दीजिए, भजन कीर्तन को, जो लुप्त तो होते जा रही है हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, उसको लुप्त तो मत होने दीजिए, सभी लोग उसमें ये अपना अपना योगदान दीजिए। आता सबको है, हाँ सबको आता है, लेकिन इंटरेस्ट किसी को नहीं है, बात यह है। और हमारे जैसी भी जो लेडीज़ है ना, उसमें से भी कईयों को आता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, ऐसी गाती नहीं है, बस आ जाती है भजन मंडली में और बैठ जाती है। तो उनको अपनी जो आता है, जो चीज़ आती है, वो बिल्कुल दिखानी चाहिए, करनी चाहिए। और बच्चों को ये पुराने भजनों में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करे, नए जो पिक्चर के गाने हैं नए, उनके हिसाब से कोई लिरिक्स बना के उनमें नए। मेरे तो ज़्यादातर मेरे सब पूरे भजन जस वैसे ही है, लिरिक्स यानी जो नए गाने हैं, जो जिसमें इंटरेस्ट आए गाने में वैसे बना के दो, तो बच्चे वैसे गाएंगे, वैसा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये बिल्कुल भी मतलब समाप्त नहीं होनी चाहिए है। आजकल हम शादियों में जाते हैं, देखते हैं पांच देवी के गीत गा लेते हैं, एक गणपति का गीत गा लेते हैं, और बस वहीं पर अपना डीजे वगैरह लगाकर नाच गाना, ये सारी ही चीज़ें शुरू रहती है। तो पहले क्या माहौल हुआ करता था, मतलब ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, नाच गाना या फिर ये कैसा कैसा माहौल था? ये तो पांच दिन का प्रोग्राम हुआ करता था शादी का, टोटल पांच दिन में, पांचवें दिन शादी होती थी। पहले दिन गणेश पूजा, खंबारोपण होता था, दूसरे दिन मायन पूजा वो होती थी, तीसरे दिन मेहंदी होती थी। ये संगीत जो है ना, ये अभी अभी निकला है, जो संगीत है मतलब डीजे लगा डांस करो, ये नहीं था पहले, संगीत का कार्यक्रम होता ही नहीं था। ये रज्जगा, ये चार पांच दिन रज्जगे चलते थे पहले, बहुत लंबे, और इतने गाते थे, सबको आते थे, दादी नानी सब जहाँ देखो सब बिल्कुल गाने बैठ जाते थे, पूरे घर की फैमिली, खाना वाना हो गया कि सब गाने को बैठ जाते थे और बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके गाते थे। अब वैसा नहीं रह गया, अब बिल्कुल शॉर्टकट है, बिल्कुल गाओ, अब गाने वाले गाते हैं और ये लोग इनकी तैयारी करते हैं डीजे में डांस करने की। जी हाँ, हमने सुना है कि जैसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं शादियों में, तो हर एक इसका मतलब प्रोग्राम का एक गाना होता है, कई बार जो चक्की पीसते हैं, या फिर शादियों में जैसे बढ़िया डाली जाती है, या बहुत सी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ का गाना होता है, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है शादियों में जिस पर गाने होते हैं? हल्दी वगैरह के गाने रहते हैं, मेहंदी के लिए रहते हैं गाने, फिर आगे चल के भी जो कन्यादान वगैरह होता है शादियों में, उसके लिए अलग से गाने रहते हैं, माहौल लगता है तो उसके लिए भी गाने रहते हैं, फेरे के गाने रहते हैं, तो हर एक चीज़ के, यहाँ तक कि नाखून काटती है ना वो, तो उसके तक के गाने होते हैं, सभी चीज हमारे सभी हमारे घरों में सभी लोग उसी इसमें रचे ये हुए, रंगे हुए उसी माहौल में, तो सभी दादी नानी सभी लोग, बुआ लोग सब उसी में ये हुए, तो हम लोगों को उस चीज की ये। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो हमको किसी को भी बोलना पड़ता है कि गाइए आप गाइए, हर कोई एक दूसरे को कहता रहता है कि आप गाइए करके, तो क्या लगता है कि उन्हें आता नहीं है या वो गाना नहीं चाहते हैं? वो गाना ही नहीं चाहते मेन चीज, आता सभी को, ऐसा नहीं है कि किसी को आता नहीं है, पर उसमें जब खुल के आप सामने आओगे, जब आप अंदर से आपको इंटरेस्ट आएगा, तब आप में वो प्रतिभा खुद प्रस्फुटित होगी कि नहीं करना चाहिए, अपने भी आगे आना चाहिए, ये चीज जब खुद आप अपने अंदर ये लाओगे तो होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि शादियों का सीज़न है, और शादियों के सीज़न में
एक बना बनी करके ये बहुत ही फेमस गीत होते हैं इसके, और इसमें काफ़ी कुछ हंसी मजाक वाले भी गीत होते हैं, कुछ बहुत ही मतलब मज़ेदार गीत होते हैं। तो ऐसा ही कोई अगर गीत आप हमें सुना दो तो हमारे सिटी मैथिनों के लिए। एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर रोटी बनाएगी जरूर, सास बना रही रोटी, बहू करने चली गई चोटी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे इतना अच्छा गाना हमें सुनाया, और मैं अब चाहती हूँ कि आप भी कुछ सुना दीजिए। बन्नी के नाम बने ने किया है जीवन अपना सारा सनम, बड़ा मजेदार है, उसके छोटे से दो कड़वे सुनाना चाहूंगी। जी चक दाना भी चक दाना दाने ऊपर दाना, ए चक दाना सर, तो उनके लिए भी कुछ बोल दीजिए इसी इसमें। चक दाना दाने ऊपर दाना, ई चक दाना, ई चक दाना बी चक दाना दाने ऊपर दाना, ई चक दाना, पंकज भैया रोज सवेरे गरम समोसे लाते हैं, पंकज भैया रोज सवेरे गरम समोसे लाते हैं, मम्मी को दिखा दिखा के ऋतुजा को खिलाते हैं, मम्मी को दिखा दिखा के
यहाँ बैठे हमारे जो कैमरा पर्सन है अनुराग सर है, वो काफी समय से देख रहे हैं कि कुछ मेरे लिए भी गाया जाए तो कुछ उनके लिए भी सुना दिया जाए, पर अभी उनकी शादी नहीं हुई है। तो इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना अनुराग भैया रोज रात को आइस ठंडी आइसक्रीम लाते हैं। अनुराग भैया रोज रात को ठंडी आइसक्रीम लाते हैं, मम्मी को दिखा दिखा के गर्लफ्रेंड को खिलाते हैं, मम्मी को दिखा दिखा के गर्लफ्रेंड को खिलाते हैं। मम्मी के मुंह में पानी आया कैसा है जमाना, इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, माहौल ही जम गया था बिल्कुल शादियों का। तो जिस तरह से आप ये खुद गाने बनाते हो, तो कहाँ से मतलब कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है, मन से बनाते हो कैसे, किस तरह से आप ये बनाते हो? मतलब प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन कैसा है पता है कि आप समझो कहीं गाना सुना अपने, और अगर समझो पूरा का पूरा गाना अपने को, उसमें भी अपन लिरिक्स डाल के उसको कुछ अलग से हटके कर सकते। जैसे आप एक भजन है भोले जी का, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे में, वो भजन मैंने सुना लेकिन उसमें मैंने मेरे लिरिक्स डाले। चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे में, सोने के लोटे में चांदी के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग, और एक एक भांग का पत्ता, हाँ जी उसमें भजन में कुछ अलग था, कुछ उसमें ऐसा ऐसा लग डाला, कैलाश पे गिराया, हाँ जी गौरा ने उठाया भोले को पिलाया, यानी अपने इन्वेंशन कुछ करना और कुछ अलग बन जाता है उससे वो। और कुछ मन से राइमिंग्स, दो दो लाइन की राइमिंग्स बनाते जाना और उसको लिख के जाना, तो फिर पूरा बन जाता है, ऊपर नीचे राइमिंग्स भी, तो बाद में फिर बराबर कर लेना जी। और आप क्या बताना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को कि कैसे मतलब हमारी जो सिटी मैथ्रीन की जो सहेलियां हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगी, किस तरह से बना सकते हैं वो, खुद भी किस तरह से कर सकते हैं? भावों को, अपने भावों को जब अपन लयबद्ध करना चाहते हैं तब अपने अंदर एक गाना बनाने की प्रतिभा उभरती है। जब हम कुछ करना, जब भगवान को अपन पुकारते हैं कि अपनी तकलीफों में वो अपनी मदद करे या कुछ भी, या जो भी कुछ अपन खुशी में कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं, तो वो चीज़ को लयबद्ध अगर करना चाहो तब आपके भजन आप बना सकते हैं। मेरे को भी ऐसी कुछ प्रतिभा मेरे अंदर भी कि मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा गुनगुनाते हुए मेरे अंदर कि हाँ ये अपन बनाना चाहिए कि अपन इस तरीके से भगवान को पुकार सकते हैं, तो मैंने उस हिसाब से मेरे भजन बनाए हुए हैं, उसमें मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। उसके लिए मोहना
बहुत 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 ही खूब। जिस तरह से आप गाने बनाते हो, गाते हो, तो कहीं ऐसे शादियां होती है, कुछ फंक्शंस होते हो, तो वहाँ पर भी आपको कोई मतलब अगर बुलाता है तो आप जाते हो गाने के लिए? तो मतलब कैसे आप जैसे ऑर्डर्स लेते हो या फिर वैसे ही जाते हो कि किसी ने बुलाया है तो किस तरह से, मतलब आपका कोई भजन मंडल? हाँ जी, मंडल है, मंडल है, भजन मंडल है, जाते हैं हम भजन मंडल से भी रज जगह वगैरह करने जाते हैं, लेकिन जहाँ खास रिश्ता होता है वहाँ ऑर्डर्स वगैरह नहीं लेते, वैसे ही गा देते हैं जाके खुशियों में उनके शामिल होके और रज जगह करके। और रिश्तेदारों की शादी में तो बाहर गाँव गए तो फिर तो देखना ही नहीं पड़ता, फिर कुछ ये करने का काम ही नहीं, फिर पूरा एंजॉय, पूरा गाना। और आप भी मतलब आपकी भी कोई भजन मंडली है या आप खुद ही गाते हो? नहीं, मंडल है ना। जैसे कि आपको पेंटिंग का भी शौक है, तो आज तक आपने ऐसी क्या, और पेंटिंग के साथ साथ आप रंगोलियां भी बनाते हो, तो ऐसी कुछ खास रंगोलियां पेंटिंग्स आपने बनाई हैं अभी तक? अंदर से पहले ही वो खूबी मेरे अंदर, खुद ही गॉड गिफ्ट है मुझे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी ड्राइंग टीचर है और उन्हीं के वजह से मुझे भी प्रेरणा मिली, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सिखाते भी हैं। और अब घर में ऐसा माहौल है, बच्चे भी करते हैं, मेरी बिटिया भी बहुत सुंदर ड्राइंग करती है, उसकी भी रंगोली वगैरह बहुत सुंदर है, तो घर का माहौल ही उसका हेल्प करना चाहिए। को होनी कर दे होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों मोदी शाह और योगी, मोदी शाह और योगी, राम जी को घर लाए मंदिर वही बनवाए, राम जी को घर लाए मंदिर वही बनवाए, देश की जनता भी यही चाहे, देश की जनता भी यही चाहे, नाचो गाओ खुशी मनाओ आई घड़ी सुहानी, नाचो गाओ खुशी मनाओ आई घड़ी सुहानी, एक जगह जब जमा हो तीनों मोदी शाह और योगी, मोदी शाह और योगी, घर घर भगवा लहराए हम सब भी है यही चाह, घर घर भगवा लहराए राम मंदिर बन जाए, हम सब भी है यही चाहे, हम सब भी है यही चाहे, तीनों की तिकड़ी ने कर दी सबकी चाहत पूरी, तीनों की तिकड़ी ने कर दी सबकी चाहत पूरी, एक जगह जब जमा हो तीनों मोदी शाह और योगी, मोदी शाह और योगी। बहुत बढ़िया, ये तो आपने जिस तरह से मोदी जी के, आप बहुत बड़ी भक्त लग रहे हो। मेरी पूरी फैमिली मोदी भक्त है। जी तो अब जैसे आप खुद बनाते हो, क्विकली आपके माइंड में आ जाती है कोई भी चीज़ें, तो हमारे सिटी मैत्रीन के प्रोग्राम के लिए, हमारे सहेलियों के लिए आप कोई गीत बना सकते हो? बना के लाई हूँ, आपका फ़ोन आने के बाद में मुझे लगा कि कुछ मुझे बनाना चाहिए, सिटी मैत्री इतना बड़ा मंच मुझे मिला है, तो मैंने सिटी मैत्रीन के लिए भी कुछ लाई हूँ लिख के जी। सारे अकोला शहर का ताज सिटी मैत्रीन बन गया है आज, सारे अकोला शहर का ताज सिटी मैत्रीन बन गया है आज, ज्ञान विज्ञान के पाठ पढ़ाता खेल कूद में सेहत है बनाता, ज्ञान विज्ञान के पाठ पढ़ाता खेल कूद में सेहत है बनाता, खाने में है स्वाद भी लाता, मनोरंजन का है ये खजाना, मनोरंजन का है ये खजाना, लाखों दिलों का है दीवाना, मनोरंजन का है ये खजाना, लाखों दिलों का है दीवाना, नारियों के सुप्त गुणों को जिसने है दी आवाज़, नारियों के सुप्त गुणों को जिसने है दी आवाज़, इसीलिए ही तो कहती हूँ
सारे अकोला शहर का ताज सिटी मैत्रीन बन गया है आज। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारे सिटी मैत्रीन के लिए ये जो लाइंस आपने लिखी है, इससे तो हमारे शो की मतलब एक रौनक आ गई है। आपने बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू सो मच इसके लिए। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप, आपकी जो हॉबी है इसके लिए आप समय निकालते हो, कहीं भजन के लिए भजन मंडली के साथ जब जाते हो, तो घर और ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हो, क्या डिफ़िकल्टीज आती है? कभी आ जाती है, डिफ़िकल्टी बहुत आती है। अभी कोरोना के वजह से स्कूल वगैरह बंद है तो ज़्यादा तो नहीं है, परिवार पूरा साथ में है तो बच्चों की इतनी चिंता नहीं रहती है, थोड़े बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे थे बच्चे तब भी, फिर मैं जब जाती थी तो बच्चों को खिला पिला के सुला के, और फिर एक दो घंटे के लिए भी, ज़्यादा नहीं आ पाऊँगी दो एक घंटे के लिए, तो फिर जाती थी। पर शुरू रखा काम, ऐसा छोड़ा नहीं था, काम शुरू रखा था। बच्चों को कभी स्कूल से लाना है करना है, दौड़ा भागी होती थी, पर किया, क्योंकि अपने शौक के लिए इंसान बहुत कुछ करता है अपना स्वार्थ है वो, इसलिए इंसान करता ही करता है। किया जी। और आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे मैनेज करते हो आप? मुझे वैसे ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती है, मेरी दोनों बेटियाँ बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो वो मैं मुझे कहीं जाना रहता है तो वो घर संभाल लेती है और घर में का पूरा काम वो कर लेती है। जब भी मुझे जाना होता है तो मैं पूरा उनके ऊपर सौंप के जा सकती हूँ। इनके बच्चे जैसे छोटे हैं, मेरी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं। ये सबसे छोटा लड़का है मेरा, बाकी मेरी बेटियाँ बड़ी है, एक की शादी हो गई अभी, दो की बाकी है, एक बीई हो गई है और एक एमकॉम बैंक में सर्विस कर। ये तो हुई हिंदी संगीत की बात हुई, तो आप मराठी में भी गाने बनाते हो जी, तो अगर कुछ आप मराठी में भी कुछ सुना दो, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज जो है हमारी मराठी भी है, तो उनके लिए भी कुछ आप सुना दीजिए। मराठी में गजानन महाराज की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो सैराट पिक्चर आया था आपने देखा था, तो उसमें झिंगाट गाना बहुत फेमस हुआ था, तो मैंने उस पर वो एक ही लाइन सुनाऊंगी, बाकी दूसरा सुनाऊंगी झिंगाट का। माझ्या मनात आलं गुरुवारी शेगावला जाव, शेगावला जाऊन गुरु माऊलीला पाहावं, लय दुरून आलो या धीर धरून आलो या, टाळ्यांच्या गजरात भजनी रंगत शेगावी आलो या, बोला गण गण गणात गण गण गणात गण गण गणात बोते, बोला गण गण गणात गण गण गणात गण गण गणात बोते। अब ये पुलवामा जब अटैक हुआ था, जब अपने सैनिक मारे गए थे, उसके बाद में प्रगट दिन था, तो पुलवामा अटैक के बाद में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते थे घर में बैठे बैठे, बहुत गुस्सा आया, बहुत ये हुआ। फिर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करवाई, बड़ी खुशी हुई एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद में खुशी में प्रगट दिन था, तो मैंने ये मराठी में भजन बनाया गजानन महाराज का। शेगावीचा गजानना मी आलो तुझिया चरणाला, शेगावीचा गजानना मी आलो तुझिया चरणाला, गण गण गणात मंत्र म्हणूनी ठेचा पाकिस्तानाला, गण गण गणात मंत्र म्हणूनी ठेचा पाकिस्तानाला, मोर मुकुट आहे काश्मीर आपला कायर पाकिस्तान आहे, मोर मुकुट आहे काश्मीर आपला कायर पाकिस्तान आहे, सीमेवरच्या वीर जवानांचा आम्हा अभिमान आहे, सीमेवरच्या वीर जवानांचा आम्हा अभिमान आहे, सलाम आहे पुलवामाच्या वीरांच्या त्या शौर्याला, सलाम आहे पुलवामाच्या वीरांच्या त्या शौर्याला, गण गण गणात मंत्र म्हणून ठेचा पाकिस्तानाला, गण गण गणात मंत्र म्हणून ठेचा पाकिस्तानाला, एकजुटीची ताकद दावा बेकड पाकिस्तानाला, एकजुटीची ताकद दावा बेकड पाकिस्तानाला, रडवनी पाकिस्तानाला हसवा त्या तिरंग्याला, रडवनी पाकिस्तानाला हसवा त्या तिरंग्याला, मोदीजींच्या या देशामध्ये फडकवा भगव्या झेंड्याला, मोदीजींच्या या देशामध्ये फडकवा भगव्या झेंड्याला, गण गण गणात मन
म्हणूनी ठेचा पाकिस्तानाला गण गण गणात मंत्र म्हणूनी ठेचा पाकिस्तानाला शेगावीच्या गजानना मी आलो तुझ्या चरणाला गण गण गणात मंत्र म्हणूनी ठेचा पाकिस्तानाला गण गण गणात मंत्र म्हणूनी ठेचा पाकिस्तानाला। तब पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था जी। जी सभी, वो तो सभी का। हाँ जी। आपके लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशंस आई है कि किसी ने निंदा की हो, कुछ बुरा कहा हो, या घर वालों से कभी सपोर्ट ना मिला हो इन चीज़ों के लिए? कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई है आपके लाइफ में? जी नहीं, मुझे तो सहेलियों ने भी बहुत भर भर के सपोर्ट किया। कभी कभी कुछ जो सो कॉल्ड अपने होते हैं उनके तरफ से कुछ निंदाएं हुई है, लेकिन वो कहावत है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो इसकी परवाह करनी भी नहीं चाहिए, और मैंने की भी नहीं कभी। मुझे मेरे बच्चों से, मेरे पति से बहुत भर भर के सपोर्ट मिला, और मेरे जो रियल फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और हमारी उत्तर भारतीय महिला मंडल की जो सचिव है कीर्ति मिश्रा मैम, और हमारी अध्यक्ष सीमा शुक्ला मैम, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। किरण दीदी ने मुझे सपोर्ट किया गाने के लिए, कभी भी स्वागत गीत कहीं प्रोग्राम होता है तो स्वागत गीत को मेरे को लेकर ही खड़ी रहती है। ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। जो कुछ लोगों का नहीं है वो मैटर नहीं करता, नहीं मैटर नहीं करता है वो। अब चलते चलते जैसे कि काफ़ी सारे हमने गीत तो सुने हैं, पर कुछ एक और एक कुछ अगर आप सुना सको कि जो जिसमें मनोरंजन भी हो, जिसमें हमारे संस्कृति की झलक भी हो, जो सुनना भी चाहे सभी, ऐसा कोई एक गीत आप सुनाना चाहोगे? मैं ऐसा छोटा सा बहुत पुराना गीत है वो ऐसे ही गा के आपको सुनाऊंगी। भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो जब वो उन लोग को प्यास लगती है किसी गांव के किनारे, वो झाड़ के नीचे बैठते हैं और वहाँ की जो औरतें रहती है, कुछ लोग रहते हैं, तो वो उनको देखकर जो बातें करते हैं उस पे ही गीत है। कहाँ के पथिक कहाँ किनरे गवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ किनरे गवनवा, कहाँ के पथिक कौन गाव कौन ठाव के ही बासी रामा, कौन गाव कौन ठाव के ही बासी रामा, के ही कारण गवन कियो, के ही कारण गवन कियो, तजो है भुवनवा, कहाँ के पथिक कहाँ किनरे गवनवा, कहाँ के पथिक। हमारा बहुत ही पुराना और सांस्कृतिक लोकगीत है जो इन्होंने अभी सुनाया है। अब चलते चलते हम भी आपसे, जो आपने अभी कुछ दो लाइंस गुनगुनाई थी कुछ भोले जी के भजन की, तो वो आप कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए चलते चलते हमें।
चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे, सोने के लोटे में चांदी के लोटे, सोने के लोटे में चांदी के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे। एक भांग का पत्ता कैलाश पे गिराया, गौरान ने उठाया भोले को पिलाया, अरे गौरान ने उठाया और भोले को पिलाया, गौरान ने उठाया और भोले को पिलाया, चढ़ गई दोनों को भांग सोने के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे। एक भांग का पत्ता अकुला में गिराया, भक्तों ने उठाया भोले को पिलाया, अरे भक्तों ने उठाया और भोले को पिलाया, भक्तों ने उठाया और भोले को पिलाया, चढ़ गई सबको भांग सोने के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे, सोने के लोटे में चांदी के लोटे, सोने के लोटे में चांदी के लोटे में, चढ़ गई भोले जी को भांग सोने के लोटे में। बहुत अब वक्त हो चला है हमारा अलविदा कहने का। इससे पहले आपको एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि हमारे सिटी मैत्रीन की जो सहेलियाँ है, हमारे व्यूवर्स है, इनको आप क्या संदेश देना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहूँ कि हर नारी में गुण होते हैं, सुप्त गुण होते हैं, बस उन्हें सिर्फ उजागर करने की ज़रूरत है और अपना जो शाइनेस है, जो शर्मिलापन है, वो दूर हटा के। हर नारी में कुछ न कुछ गुण होता ही है, पर वो सिर्फ झिझकती है और उन्हें सामने लाने से डरती है, तो वो डर अपने दिमाग से निकाल दे और अपना जैसा भी अपने को जो भी आता है वो प्रस्तुत करे, अपने परिवार के सामने प्रस्तुत करे, उसके बाद में परिवार अपने को अप्रिशिएट करेगा, फिर अपन दूसरों के सामने जो भी अपने गुण हैं वो कला गुणों को दूसरों के सामने लाए, कोई नहीं हंसेगा आपको, आप में अगर पोटेंशियल है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाओगे। सभी से यही कहना चाहूँगी कि हर नारी बिल्कुल कुछ ना कुछ कर ही सकती है, मर्दों से तो आगे जा ही सकती है 100%। तो ये सोच तो कि हमें कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है, बस हमें उन्हें जानना है और अपने अंदर से वो गुण बाहर निकालना है, इतना ही कहना चाहूँगी जी। और आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे सिटी मैथ्रीन के सहेलियों को, व्यूअर्स को? मेरा संदेश यही है कि अपनी संस्कृति को बचाए और आगे आए, महिलाएं अपना घर का काम वगैरह छोड़कर थोड़ा समय अपने गुणों को उजागर करने में दीजिए, अपने गुणों को बाहर लाइए, अपने बच्चों को भी ये सब सिखाइए और अपना मनोबल बढ़ाइए, अपने आप को खुद तैयार कीजिए अपने लिए, कि या कोई हंसता भी है कोई उसके लिए अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी आप आगे जा सकते हो, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। डरने के जो डरेगा वो कुछ नहीं कर सकता जी। तो कुछ अलविदा कहने के लिए कोई ऐसा गीत है जो आप बता सकते हो कि चलते चलते हम कोई एक अलविदा कहने वाला कोई गीत हो? बॉलीवुड की गाने वाली हूँ, मुझे तो याद है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए तो सहेलियों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में यही इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। पर्यावरण जो हमें जीवन प्रदान करती है, हमें निर्वाह और विकास के लिए सक्षम बनाती है, हमने उसी पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है।
प्रदूषण की चोट अब हमारी प्रकृति भी झेल रही है। पर्यावरण प्रदूषण का एकमात्र कारण है मानव। मानव की बढ़ती हुई लालसा ने पर्यावरण तंत्र को ही बिगाड़ दिया है। प्रदूषण की रक्षा के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत अपने से करनी होगी। पर्यावरण का हमारे जीवन में जो महत्व है उसे हमारे समाज को अवगत कराना होगा। हम इसे बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल कर निम्न स्तर से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमें कारखानों को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कुछ नियमों का सटीकता से पालन करना है। जैसे कारखानों से निकला कचरा बाहर न फेंक कर इसका दोबारा किसी और में इस्तेमाल की तकनीक इजाद करनी चाहिए। धुआं कम से कम हो इसका ख्याल रखना होगा। धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी को अपनी गलती में सुधार करना होगा तथा स्वार्थ तत्परता त्याग कर पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षित तथा स्वस्थ करना होगा। यह मानना कठिन है, परंतु सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाया गया छोटा सकारात्मक कदम बड़ा बदलाव कर सकता है तथा पर्यावरण गिरावट को रोक सकता है। अब हम सीखेंगे इंग्लिश प्राध्यापिका कीर्ति श्राफ मैडम इनके साथ। नमस्कार मित्रांनो, मी कीर्ती सराफ आपल्या सगळ्यांचं आजच्या इंग्लिश स्पीकिंग सेशनमध्ये स्वागत करते। हॅलो एव्हरीवन, धिस इज कीर्ती सराफ अँड आय वूड लाईक टू वेलकम यू ऑल इन टुडेज इंग्लिश स्पीकिंग सेशन। मित्रांनो, आपण मागच्या इंग्लिश स्पीकिंगच्या सेशनमध्ये आपण पाहिलं होतं कीप ऑन आणि प्लस एखादी ॲक्शन आणि हे करत राहा, असं करत राहा, गात राहा, नाचत राहा, असं आपण कीप ऑन प्लस ॲक्शन वर्ड प्लस आय एन जी ही कन्स्ट्रक्शन पाहिली होती। आपण दुसऱ्यांना सजेशन देतो आहे की असं करत राहा। आजच्या इंग्लिश स्पीकिंग सेशनमध्ये आपण एक खूप छान वाक्य शिकणार आहोत, आय विश आय कुड। काश, काश मैं ऐसा कर पाती या काश ऐसा हो पाता, कदाचित जर असं झालं असतं तर ती एक आपल्या मनातली खंत असते की असं झालं असतं तर, तसं झालं असतं तर, हे झालं असतं तर, मी अशी झाली असते तर। सो ही जी खंत आहे ही आपल्याला इंग्लिशमध्ये कशी वापरायची ते आपल्याला शिकायचं आहे। तर मित्रांनो, त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात आय विश आय कुड, काश ऐसा हो पाता। ओके, मग आता आपले कोणत्या कोणत्या खंत आहे, अशा तर जीवनामध्ये खूप साऱ्या विश आहे, खूप साऱ्या ॲस्पिरेशन्स आहे, खूप साऱ्या डिझायर्स आहेत, तुमच्या इच्छा आहे, आकांक्षा आहे, ज्या पूर्ण नाही होऊ शकल्या, पण ती एक बट पण परंतु आपल्या लाईफमध्ये तो राहतो, काश ऐसा हो पाता। तर ते आपण आज आपण इंग्लिश स्पीकिंगच्या सेशनमध्ये शिकणार आहोत। तर आपण त्याचे वाक्य बनवूयात। ह्या माझ्या खंत आहे तर तुमच्या वेगळ्या असू शकतात आणि प्रत्येक व्यक्तीला ते असतंच की काश ऐसा हो पाता, कदाचित असं झालं असतं तर। ओके, तर ही खंत जी व्यक्त करायची ती इंग्लिशमधून करूया। आय विश आय कुड फ्लाय इन द स्काय, काश मे आसमान मे उड पाती, कदाचित मी जर आकाशात उडू शकले असते तर। आय विश आय कुड फ्लाय इन द स्काय, आय विश आय कुड मीट यू, कदाचित काश मैं आपको मिल पाती, कदाचित मी तुम्हाला भेटू शकले असते तर, काश मैं आपको मिल पाती। आय विश आय कुड मीट यू, आय विश आय कुड टीच यू, काश मैं आपको पढ़ा पाती। आय विश आय कुड मैरी यू, काश मैं आपसे शादी कर पाती। जस्ट अ सेंटेंस। आय विश आय कुड मीट द गॉड, काश मैं भगवान को मिल पाती। I wish I could see the God, काश मैं भगवान को देख पाती। I wish I could talk to you, काश मैं तुमसे बात कर पाती। I wish I could be in my childhood again, काश मैं मेरे बचपन में जा पाती। I wish I could meet my childhood friends, काश मैं मेरे बचपन के दोस्तों को मिल पाती। I wish I could be in the school again, काश मैं फिर से स्कूल जा पाती as a student। I wish I could be a baby again, काश मैं एक छोटी बेबी बन जाती फिर से, because childhood is the most precious time of our life,
यस, जब हम बड़े हो जाते, जब छोटे रहते तब हमको विश रहती कि मैं बड़ी कब होंगी, और जब बड़े हो जाते तो आपकी इच्छा रहती काश बचपन फिर से जा पाते और वही दिन फिर से जी पाते. ओके, सो आई विश आई कुड बी अ चाइल्ड अगेन, आई विश आई कुड बी इन द चाइल्डहुड अगेन, काश मैं मेरे बचपन में फिर से जा पाती. आई विश आई कुड मीट माई ग्रैंड फादर अगेन बिकॉज ही इज़ नो मोर, तो अभी वो नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है आई विश आई कुड मीट माई ग्रैंड फादर, काश मैं मेरे दादाजी से मिल पाती. आई विश आई कुड टॉक टू यू, काश मैं आपसे बात कर पाती. आई विश आई कुड ओपन अ स्कूल, काश मैं मेरी स्कूल ओपन कर पाती. आई विश आई कुड टीच यू, काश मैं आपको पढ़ा पाती. आई विश आई कुड मीट द फेरीज, काश मैं परियों को मिल पाती. आई विश आई कुड टच द फेरीज, काश मैं परियों को टच कर पाती. आई विश आई कुड बी अ बर्ड, काश मैं एक पंछी होती. आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैं आपको समझ पाती. आई विश आई कुड बी एज ब्यूटिफुल एज यू, काश मैं आपकी जितनी सुंदर होती. आई विश आई कुड डू द एंकरिंग, काश मैं एंकरिंग कर पाती. आई विश आई कुड टॉक इन इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश में बोल पाती. जस्ट अ सेंटेंस, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, इट इज़ जस्ट अ सेंटेंस. तो ये तो सबकी विश है, आई विश आई कुड टॉक इन इंग्लिश, यस, तो वो जल्दी पूरी होने वाली, इट विल नो मोर अ विश. ओके, इफ़ यू आर विथ अस, अगर आप RRC के साथ रोज़ रहते हो, रोज़ आपको हमें 15 मिनट्स देते हो, तो ये विश बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है. सो वॉट इज़ दैट विश, या काश मैं इंग्लिश में बोल पाती. आई विश आई कुड टॉक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल पाती. आई विश आई कुड राइट अ नॉवल, काश मैं एक नॉवल लिख पाती. आई विश आई कुड रीड योर माइंड, काश मैं आपके मन का पढ़ पाती. आई विश आई कुड अंडरस्टैंड द बर्ड्स लैंग्वेज, काश मैं पंछियों की लैंग्वेज समझ पाती. आई विश आई कुड हेल्प एवरी पुअर, काश मैं हर एक गरीब व्यक्ति को मदद कर पाती. आई विश आई कुड बी अ मिलेनियर, काश मैं बहुत रिच होती. आई विश आई कुड ड्राइव अ कार, काश मैं कार ड्राइव कर पाती. आई विश आई कुड बी अ पायलट, काश मैं एक पायलट होती. आई विश आई कुड गो टू द अमेरिका, काश मैं अमेरिका जा पाती. आई विश आई कुड मीट मिस्टर नरेंद्र मोदी, काश मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल पाती. आई विश आई कुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, काश मैं महाराष्ट्र की शिक्षण मंत्री होती. आई विश आई कुड बी इन योर शूज़, काश मैं आपकी जगह होती. यस, बी इन योर शूज़ मीन्स आपकी जगह होना. आई विश आई कुड बी इन योर शूज़, काश मैं तुम्हारी जगह हो पाती. आई विश आई कुड स्टे विथ यू, काश मैं आपके साथ रह पाती. आई विश आई कुड टॉक इन संस्कृत, काश मैं संस्कृत बोल पाती. आई विश आई कुड बी एन एंजल, काश मैं एक एंजल हो पाती. आई विश आई कुड बी योर मदर, काश मैं आपकी माँ होती. आई विश आई कुड टॉक टू गॉड, काश मैं भगवान से बात कर पाती. आई विश आई कुड बी एन इंजीनियर, काश मैं एक इंजीनियर होती. तो ऐसे बहुत सारे काश 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 हमारे तो आपके हर एक के लाइफ में ऐसे काश बहुत है कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं आपसे मिल पाती. आई विश आई कुड बी विथ यू, काश मैं आपके साथ होती. यस, सो दीज आर द विश इन आर लाइफ. यस, ये हमारे लाइफ के, ह्या आपल्या लाईफच्या अपूर्ण इच्छा आहेत, है ना, त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणायचं आहे आय विश आय कुड. ओके, तर अशा आपल्या इच्छा आठवायच्या आहेत की कोणत्या आपल्या इच्छा आहेत आणि त्यांचे वाक्य बनवायचे आहेत. तुम्हाला जर काही अडचण आली तर कृपया आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात, आम्ही निश्चितच तुमची हेल्प करू. आणि तुम्हाला जर काही शब्द आठवत नसतील तर तुम्ही गुगलवर शोधू शकता. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, रोज द्यायचे 15 मिनटं RRC डिजिटलला. तुम्ही आमचा कार्यक्रम सकाळी गुड मॉर्निंग अकोलामध्ये पाहू शकता किंवा सिटी मैत्रिणीमध्ये दुपारी बघू शकता. त्याचप्रमाणे RRC डिजिटल चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर आमचा कार्यक्रम तुम्ही दिवसात केव्हाही पाहू शकता. एक क्लिक केलं
तर तुम्हाला आमचा कार्यक्रम पुन्हा पुन्हा पाहता येईल आणि पुन्हा पुन्हा तो ऐकता येईल. जितकं जास्त तुम्ही ऐकाल तितक्या लवकर तुमचं इंग्लिश इम्प्रूव्ह होईल. रोज मी तुम्हाला सांगत असते की मी जे सांगते तर तुमच्या मनाचे सुद्धा वाक्य तुम्ही लिहून पहा. कीप ऑन रायटिंग, आपण मागच्याच सेशनमध्ये शिकलो होतो, कीप ऑन रायटिंग, कीप ऑन रीडिंग, लिहित रहा, वाचत रहा, कीप ऑन लिसनिंग, ऐकत रहा, कीप ऑन प्रॅक्टिसिंग, प्रॅक्टिस करत रहा आणि बघा तुमचं इंग्लिश इम्प्रूव्ह होतं की नाही. मी 100% गॅरंटी देते की तुम्ही जर हे 4 स्टेप्स फॉलो केल्या तर तुमचं इंग्लिश निश्चित 100% इम्प्रूव्ह होणारच आहे. सो बी विथ आर आर सी सोबत रहा अँड लर्न हाऊ टू स्पीक गुड सिम्पल अँड फ्लुएंट इन इंग्लिश. आणि जर तुम्ही RRC सोबत राहिलात तर नक्कीच तुम्ही सिम्पल, इझी आणि इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश बोलणं लवकर शिकणार आहात. आपण प्रॅक्टिस करतो आहे आणि आपलं इंग्लिश इम्प्रूव्ह होतं पण आहे. तुमच्या सूचना आम्हाला मिळत राहत आहेत, तुमच्या कमेंट्स खूप व्हॅल्युएबल आहेत आणि त्याच्याप्रमाणे आम्ही आमच्या कार्यक्रमात अजून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तुमचे सजेशन्स, तुमचे सुझाव, तुमचे कमेंट्स आम्हाला देत राहा, त्याच्यामुळे आम्हाला अजून चांगलं करण्याचं प्रोत्साहन मिळतं आहे. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. आजपुरती एवढंच, भेटूया उद्याच्या भागात एका नवीन कन्स्ट्रक्शन सोबत आणि एका नवीन टॉपिक सोबत. टिल देन बाय बाय, गुड, हॅव अ ग्रेट डे, सी यू टुमॉरो ॲट द सेम टाईम. भारत प्राचीन काल में वन उपवनी से हरी भरी थी, पेड़ पौधों व लताओं से समृद्ध थी. यही कारण है कि पहले वायुमंडल शुद्ध हुआ करता था, बीमारी और महामारी का प्रकोप भी बेहद कम हुआ करता था. हम अपने स्तर पर पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं. शुरुआत तो आपको ही करनी होगी. अगर हर कोई अपने स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए तो यकीन मानिए हमारी धरती खिलखिलाकर उठेगी, चारों ओर फिर से हरियाली दिखाई देने लग जाएगी, चिड़ियों की चहचहाट से फिर से सारा संसार चहक उठेगा. आज के लिए इतना ही. अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का. तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह. तब तक के लिए देखते रहिए RRC नेटवर्क. नमस्कार.